सूबे सिंध में घरेलू दस्तकारी से बनाए जाने वाले मलबूसात, चादरें और दीगर अशिया दीदा जेब डिजाइन, रंगों के हसीन मिजाज और पायदारी के बाइस पाकिस्तान के अंदर और बाहर बहुत पसंद की जाती हैं और अक्सर अच्छे दामों में बिकती हैं। हम अपना ही बनवाते हैं और वो सारे गांव गोट से लाते हैं हमारे पास और अल्हम्दुलिल्लाह सेल करते हैं और बहुत डिमांड है। उन्हें बनाने वाली हुनरमंद खवातीन के हाथ कई दिनों की मेहनत के बाद भी सिर्फ चंद सौ रुपए ही आते हैं। एक कमीज तो 15 दिन में और अगर चादर बड़ी सी बनाए शॉल तो वो एक महीना लग जाती है, 1000 रुपए उस पे खर्चा लग जाता है और 300 हमारे बचते हैं। बस बहुत ज्यादा होती है मेहनत, कभी वक्त पड़ने पर देनी होती है ना, रात को भी करते हैं, दिन को भी करते हैं, कहते हैं पूरा करना है। खवातीन उमूमन खुद अपनी दस्तकारी बाजार में फरोख्त नहीं करती, ये काम एक मिडिल मैन करता है जो अपना हिस्सा इसी रकम से निकालता है जो दुकानदार इस माल के लिए देता है। इनसे ले जाते हैं और उनको हम मैकिंग दे देते हैं, मुझे 50 रुपए जाता है। देही इलाकों से ताल्लुक रखने वाली ये खवातीन तालीम की कमी और कारोबार चलाने के बारे में ज्यादा मालूमात न रखने के बाइस अपने काम का जायज मुआवजा हासिल नहीं कर पाती। सन 2003 से सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन नामी इदारा सखर में हुनरमंद खवातीन को घरेलू दस्तकारी के बारे में ट्रेनिंग देने के साथ साथ इनकी बनाई अशिया को पाकिस्तान के बड़े शहरों और बैरून मुल्क फरोख्त कर रहा है। इस काम को डेवलप करने के लिए हमारे साथ रिसेंटली जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन अथॉरिटी ने एक MOU साइन किया हुआ है और वो अपनी टेक्निकल असिस्टेंस हमें दे रहे हैं, जैसे हम उनकी फर्दर मोर ट्रेनिंग्स करवा सकें और उनको फर्दर स्किल को डेवलप करा सकें और उनकी मार्केटिंग, उनकी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग बढ़ा सकें। और SRSO इसके अलावा ये करता है कि जितनी भी ये रूरल ख्वातीन अपने हैंडीक्राफ्ट्स का काम करती हैं उनको SRSO लेबर चार्जेस देके और मटेरियल SRSO फ्री में देके उनसे प्रोडक्ट्स बनवा के फिर उनको कराची में मार्केट्स हैं जैसे डॉल्बन माल है, ओशन माल है और जितनी अच्छी अच्छी बड़ी मार्केट्स हैं वहाँ लेके जाता है और वहाँ पर एग्जीबिशन हम साल में 2-3 मरतबा करते हैं। कारीगरों के हुकूक के लिए काम करने वालों का कहना है कि सारिफीन भी मन पसंद अशिया खरीदते वक्त ये जरूर सोचें कि इसे बनाने वाले को क्या इसका मुनासिब मुआवजा मिला या नहीं और ऐसे इदारों और कारोबारों को तरजीह दें जो फेयर वेज या जायज तनख्वाहों को यकीनी बनाते हैं, क्योंकि कम कीमत में माल खरीदने वाला तो फायदे में रहता है मगर इसे बनाने वाले हाथ अक्सर खाली ही रह जाते हैं। किरण मिर्जा, वॉइस ऑफ अमेरिका, सखर।